उल्लू भालू आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑडियंस के साथ इस तरह से धोखा नहीं करना चाहिए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, उल्लू की न्यू वेब सीरीज सुल्तान का पार्ट 2 रिलीज हुई है। सुल्तान वेब सीरीज की पार्ट 1 देखने के बाद मेरे जैसे सभी फैन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई थी, तो पार्ट 1 देखने के बाद सोचा चलो पार्ट 2 में कुछ धमाल होने वाला है, लेकिन इस बार भी बड़ा पैकेट से कुछ भी नहीं निकला। जिस तरह से सुल्तान वेब सीरीज ऑडियंस के बीच एक हाइप क्रिएट की थी, उस हाइप के ऊपर सुल्तान वेब सीरीज खड़ा नहीं उतर पाए। बेसिकली सनी दीक्षित को लेकर ही ऑडियंस के बीच सुल्तान वेब सीरीज को लेकर इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी। तो इस सुल्तान वेब सीरीज में जिस स्टोरी को दिखाई है और उसके साथ सनी दीक्षित, इन दोनों को ठीक से नहीं दिखा पाए उल्लू वालों ने। इसके अलावा सीरीज देखने के टाइम ऐसा फील होता है कि सनी दीक्षित इतनी अच्छी तरीके से कंफर्टेबल नहीं है, और ये सीरीज एक बार देखने के बाद ही किसी को भी समझ में आ जाएगी। अब बात करें बोल्ड सीन की, तो उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सीरीज में जितने भी बोल्ड सीन दिखाई है वो एक भी ढंग से नहीं दिखाया है। उसके अलावा बोल्ड सीन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। पार्ट 1 में तो सनी दीक्षित की एक भी बोल्ड सीन नहीं देखने को मिला, तो सोचा चलो पार्ट 2 में कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन पार्ट 2 में जो भी देखने को मिला वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड करती है। सनी दीक्षित को अगर एक भी बोल्ड सीन करने की मौका नहीं देती तो अच्छा होता। उल्लू वालों की ऑडियंस की इमोशन के साथ इस तरह से नहीं खेलना चाहिए। एंड में एक ही बात बोलना चाहूंगी कि सुल्तान वेब सीरीज मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड किया है। सनी दीक्षित से कुछ बेटर एक्सपेक्टेशन कर रही थी।